राजस्थान में आंधी तूफान से भारी तबाही। यहां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी कहर बनकर टूटी। आंधी और तूफान की चपेट में आने से भरतपुर, धौलपुर, अलवर और झुंझुनू में अलग अलग हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई। आंधी से सैकड़ों पेड़ टूटकर गिर गए। जगह जगह बिजली के खंभे और तार टूटे पड़े रहे, जिसकी वजह से यातायात में भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आंधी और तूफान की वजह से हुए हादसों में सबसे ज्यादा 11 मौतें भरतपुर जिले में हुई हैं, जबकि धौलपुर में 6 लोगों की जान चली गई है। वहीं अलवर में 4 लोगों की और झुंझुनू में भी 1 की मौत हो गई। अलग अलग घटनाओं में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उत्तराखंड में भी बारिश और आंधी का कहर देखने को मिला। यहां चमोली जिले में बादल फटने से भारी तबाही हुई। नारायणबगड़ में बादल फटने से कई दुकानें और मकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। नारायणबगड़ में भारी बारिश के बाद अचानक बादल फट गया। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा बुरी तस्वीर पंजाब के अमृतसर में देखने को मिली। अमृतसर में मंडी प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां दाना मंडी में पड़ा अनाज बारिश में भीग कर खराब हो गया। मेहनत पर पानी फिरने से किसान काफी नाराज दिखे। मंडी प्रशासन की लापरवाही की ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से पहले भी सामने आती रही है, लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं लिया। दिल्ली NCR में भी कल अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। गर्मी से दिल्ली वालों को राहत मिल गई। हालांकि कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। कई जगह जाम की समस्या भी देखने को मिली। 2 दिन से चल रहे बवाल के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के छात्र संघ हॉल से पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर गायब। AMU प्रशासन की दलील, सफाई के लिए हटाई गई है तस्वीर, फिर लगा दी जाएगी। कल इस मुद्दे पर हिंदू संगठनों और छात्रों के बीच हुई झड़प के बाद हुआ था लाठीचार्ज। AMU में आज पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को मानद उपाधि दी जानी है। क्या इस कार्यक्रम से पहले छात्र संघ भवन में जिन्ना की तस्वीर फिर लगा दी जाएगी? इस पर AMU प्रशासन साफ जवाब नहीं दे रहा है। बवाल को देखते हुए AMU में रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनी तैनात की गई है। AMU में जिन्ना की तस्वीर पर बवाल उस समय बढ़ा जब अलीगढ़ के सांसद ने इसे हटाने की मांग की, पर AMU छात्र संघ ने जिन्ना की तस्वीर हटाने से इनकार कर दिया है। AMU छात्र संघ का कहना है कि 1938 में जिन्ना यहां आए थे तो उन्हें छात्र संघ का आजीवन सदस्य बनाया गया था। कल AMU में उस समय हालात बिगड़ गए जब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे और जिन्ना का पुतला जलाने की कोशिश की। इसके बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों से उनकी झड़प हुई। इस दौरान पथराव होने के बाद पुलिस को हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जिन्ना को देशभक्त और महापुरुष बताने पर यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीजेपी में उठे सुर। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य को योगी मंत्रिमंडल से हटाने और बीजेपी से बाहर करने की मांग की है। अग्रवाल ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य देश के लिए कलंक है, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यूपी के बहराइच से बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले ने दलित भोज को लेकर हमला बोला। कहा, दलितों के घर भोजन के नाम पर अनुसूचित जाति का मजाक उड़ाया जा रहा है। सीएम और मंत्री लोग अनुसूचित जाति के घर खाना खाने जाते हैं, लेकिन खाना बनाने वाला कोई और होता है, भोजन परोसने वाला कोई और होता है और बर्तन टेंट हाउस के होते हैं, केवल उनके घर बैठकर खाना खाया जाता है। SC ST कानून में फौरन गिरफ्तारी रोकने के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। केंद्र की दलील है कि कानून बनाना संसद का काम है, कोर्ट इस तरह बदलाव नहीं कर सकता। केंद्र ने पुरानी स्थिति बहाल करने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक में फिर से 3 रैलियां करेंगे। PM आज गुलबर्ग, बेल्लारी और बेंगलुरु में रैलियों को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव है और 15 मई को नतीजे आएंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने हाईटेक ऐप के जरिए कर्नाटक के बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जीत और किसानों के भरोसे को जीतने का मंत्र दिया। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने अभी तक जितने भी बजट पेश किए हैं, उनके केंद्र में हमेशा किसान ही रहा है। बता दें कि कर्नाटक में करीब 78 लाख किसान हैं, यानी राज्य की कुल आबादी का करीब 13%। यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंच रहे हैं। आज वो यहां 5 जिलों में 5 सभाओं को संबोधित करेंगे। पहली सभा उत्तर कन्नड़ जिले में होगी तो आखिरी सभा चिकमंगलूर में होगी। वो रात में चिकमंगलूर में ही रात्रि विश्राम करेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज एक बार फिर दो दिवसीय दौरे पर कर्नाटक जाएंगे। राहुल आज बीदर में रैली करेंगे, जबकि कल कलबुर्गी, गडक और हावेरी में राहुल गांधी की रैली है। करीब तीन महीने में राहुल गांधी का यह आठवां कर्नाटक दौरा है। अब आपको दिखाते हैं सुख के समाचार, यानी वैसे समाचार, वैसी तस्वीरें जो आपको सुख देती हैं, आपको प्रेरणा देती हैं। वैसे समाचार जिसमें होती है आपके काम की बातें, वो समाचार जो आपके जीवन पर अच्छा असर डालते हैं, आपको सुखद अनुभव देते हैं। शुरुआत बेहद खूबसूरत तस्वीरों के साथ जो चीन से आई है। चीन के शांसी प्रांत में ड्रोन की मदद से कमाल का लाइट शो हुआ। रंगीन लाइट से सजे 1347 ड्रोन ने दिवाली जैसा माहौल बना दिया। इन ड्रोन की मदद से अलग अलग तरह की कलाकृतियां आसमान में बनाई गईं। मजदूर दिवस के मौके पर मंगलवार की रात को इस शो का आयोजन हुआ था। सबसे बड़ी बात यह कि सारे ड्रोन चीन में बने थे और एक ही कंप्यूटर से एक ही आदमी इन्हें कंट्रोल कर रहा था। अब आपको दिखाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से प्रेरणा देने वाली खबरें। उत्तराखंड के देहरादून में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर अनोखी जंग शुरू की है वुमनिया हैंड ने। संगीत के माध्यम से कुछ महिलाओं ने मिलकर ये बैंड शुरू किया है। कठुआ और उन्नाव रेप कांड को लेकर भी इस बैंड ने गाना तैयार किया है। हल्द्वानी में फलों और सब्जी की दुकान लगाने वाले धर्मेंद्र कुमार की प्रेरणा देने वाली कहानी सामने आई है। धर्मेंद्र फल की रेहड़ी लगाने के साथ साथ लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं। धर्मेंद्र का कहना है कि 2012 में दहेज उत्पीड़न के झूठे मामले में उन्हें फंसाया गया, जिसके बाद उन्होंने अच्छा वकील बनने की ठानी। धर्मेंद्र अभी अंतिम सेमेस्टर में है। अब नक्सलियों के गढ़ से सुखद खबर। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए हुई जेईई मेंस की परीक्षा में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से 18 छात्र सफल हुए हैं। इनमें से 8 लड़कियां हैं जिन्होंने बेहद कठिन हालात में सफलता हासिल की है। सुकमा की गंगोत्री का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, बावजूद इसके उसने कामयाबी हासिल कर मिसाल कायम की है। ऐसे ही कई बच्चियों ने अपने इलाके का नाम रोशन किया है। अब सुप्रीम कोर्ट से सुखद खबर। सुप्रीम कोर्ट में महिला वकीलों और कर्मचारियों के लिए उनके छोटे बच्चों के लिए क्रेच खुल गया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कल इस क्रेच का उद्घाटन किया। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर छोटे बच्चों को तोहफे भी दिए। जस्टिस पुरियन जोसेफ भी बच्चों को दुलारते नजर आए। अब गन्ना किसानों के लिए राहत की खबर। केंद्र कैबिनेट की मोहर के बाद अब किसानों को प्रति क्विंटल गन्ना उत्पादन पर 5.5 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इस फैसले से नकदी समस्या से जूझ रही चीनी मिलों को गन्ना बकाए का भुगतान करने में मदद मिलेगी। रिकॉर्ड उत्पादन के कारण चीनी के दाम में गिरावट से गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर करीब 20,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर अच्छी खबर। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बावजूद 12 मई तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में रोजाना होने वाले संशोधन को रोक दिया है। टाटा मोटर्स ने अपनी स्मॉल एसयूवी नेक्सन का ऑटोमेटिक वर्जन लॉन्च कर दिया है। पेट्रोल वेरिएंट की शुरुआती कीमत 9,41,000 रुपए होगी, जबकि डीजल वेरिएंट की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 10,30,000 रुपए होगी। भारत में इस गाड़ी को हाई पावर ड्राइव के नाम से लॉन्च किया गया। कार शौकीनों के लिए अच्छी खबर। मशहूर कार कंपनी बीएमडब्ल्यू अपनी नई मिनी कार कंट्रीमैन भारतीय बाजार में उतारने जा रही है। इस कार को कंपनी आज भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। माना जा रहा है कि ये कार करीब 40 लाख रुपए के प्राइस टैग के साथ बाजार में आएगी। कंपनी इसे अपने चेन्नई स्थित प्लांट में असेंबल करके बेचेगी। इंडिया कावासाकी ने अपनी दमदार बाइक वल्केन एस को के नए पर्ल लावा ऑरेंज कलर में लॉन्च किया है। कावासाकी ने दिल्ली में नए कलर वाली वल्केन एस की एक्स शोरूम कीमत 5,58,000 रुपए रखी है। ये कीमत स्टैंडर्ड वल्केन से सिर्फ 10,000 रुपए ज्यादा है। अमेरिका की लग्जरी क्रूजर बाइक बनाने वाली कंपनी इंडियन मोटरसाइकिल ने अपनी सबसे महंगी बाइक भारत में लॉन्च की है। इस बाइक का नाम इंडियन रोड मास्टर एलीट है। इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए रखी है। बाइक में 1,811 सीसी वाला इंजन लगा है। स्मार्टफोन शौकीनों के लिए खुशखबरी। चीन की कंपनी कूलपैड ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए कूलपैड नोट 6 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। ये फोन ड्यूअल सेल्फी कैमरे के साथ उतारा गया है। 32 GB वाले फोन की कीमत 8,999, जबकि 64 GB के स्मार्टफोन की कीमत 9,999 रखी गई है। ये फोन 8 राज्यों में करीब 300 से ज्यादा स्टोर्स पर बिक रहा है। अभी आपने देखे त्वरित सुख के समाचार, अब वक्त है त्वरित दुख का।
अपराध जगत और हादसे से जुड़े वो समाचार जो दुख पहुंचाने वाले हैं, लेकिन इन समाचारों के बारे में जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। लखनऊ के सरोजनी नगर में पत्नी के किसी और से संबंध के चलते पति ने अपनी पत्नी की ईंट और सिलबट्टे से पीट पीट कर हत्या कर दी और फरार होने की कोशिश की। रास्ते में गश्त लगा रही पुलिस ने आरोपी को खून से लथपथ देखा तो शक के आधार पर पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लखनऊ में शादी समारोह में फायरिंग के दौरान बुजुर्ग को लगी गोली। फायरिंग के समय बुजुर्ग घर की खिड़की से बारात देख रहा था। हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद डीजीपी ने थानेदारों की ड्यूटी लगाई। यूपी के कन्नौज में एक दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त के 11 साल के बेटे को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि दोस्त ने उसे अपनी बहन की शादी का न्योता नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश में कासगंज के सीओ पर महिला ने लगाया है जबरदस्ती शादी और मारपीट का आरोप। महिला के मुताबिक सीओ ने अपने सरकारी आवास में कुछ दिनों पहले जान से मारने की कोशिश भी की। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेकर कासगंज के एसपी ने सीओ के घर छापा मरवाया तो पीड़ित लड़की बरामद हुई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बैंक से 52,000 रुपए निकालकर घर लौट रहे मां बेटे से बदमाशों ने छीनी रकम और बेटे की छाती में गोली मारकर हुए फरार। घायल शख्स को अस्पताल भेजने के बजाय थाने में खड़ा कर पूछताछ करती रही पुलिस। यूपी के हाथरस में छेड़छाड़ का शिकार हुई एक दलित छात्रा ने आरोपी के गिरफ्तार न किए जाने पर दी है आत्मदाह की धमकी। छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही। यूपी के चंदौली में मामूली विवाद में दबंगों ने होटल के मालिक, मैनेजर और उसके परिजनों की जमकर धुनाई कर दी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद दबंगों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के द्वारका में गैंग वॉर में दो लोगों की हत्या। सेंट्रो में बैठे हमलावरों ने स्विफ्ट कार में बैठे दोनों लोगों को खदेड़ कर गोली मारी। राजस्थान के जयपुर में 9वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल में पिटाई से तंग आकर खुदकुशी कर ली। छात्र ने अपने सुसाइड नोट में किया जिक्र, जांच में जुटे पुलिस। हैदराबाद में संपत्ति विवाद में तीन भाइयों के बीच बराबरी का बंटवारा न होने के विवाद में बेटे ने छड़ी से पीट कर की मां की हत्या। कुछ दिनों पहले हार्ट अटैक से हुई थी पिता की मौत। कोलकाता में मरे हुए जानवरों का मांस सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जिस डंपिंग ग्राउंड में मरे मवेशियों को फेंका जाता था, वहां से उनकी तस्करी कर मरे हुए कुत्ते, बिल्लियों समेत दूसरे पशुओं को काटकर उसमें केमिकल मिलाकर मटन के साथ मिला दिया जाता था। इसे बकरी का मांस बताकर कोलकाता के बड़े होटलों में भेज दिया जाता था। कावेरी जल विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पानी के बंटवारे को लेकर बोर्ड बनाने का आदेश दिया था, इस पर अब तक अमल नहीं हुआ है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये मसला राजनीतिक रूप से अहम है। कर्नाटक के लोगों को लगता है कि कावेरी बोर्ड के गठन से पानी में उनका हिस्सा कम हो जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी, यमुना किनारे लैंडफिल साइट को नुकसानदेह बताते हुए इसे शिफ्ट करने की मांग की। कचरा भराव वाली ये जगह गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है। दुनिया के प्रदूषित शहरों में दिल्ली के छठे नंबर पर होने पर भी जताई चिंता। दिल्ली के नरेला में कुछ दिनों पहले कैश वैन लूटने और कैशियर को और गार्ड की हत्या करने वाले आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल के मुताबिक 5 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। 26 अप्रैल को ये आरोपी हत्या के बाद 12 लाख रुपए से भरा बक्सा लेकर फरार हो गए थे। मुंबई की विशेष बकोका कोर्ट में पत्रकार जेडे की हत्या के 7 साल पुराने केस में सजा सुनाई गई। अदालत ने इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन समेत 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। छोटा राजन के वकील अंशुमान सिन्हा ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। जेडे मर्डर केस में कुल 13 आरोपी थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है जबकि एक फरार है। वहीं कोर्ट ने पत्रकार जिग्ना वोरा और कोलसन जोसेफ को बरी कर दिया है, यानी कोर्ट ने 10 को दोषी करार देते हुए 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आईपीएल में दिल्ली और राजस्थान के बीच कल रात हुए मैच में बारिश ने डाली बाधा। दिल्ली ने राजस्थान को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 4 रन से हराया। राजस्थान को 12 ओवर में 151 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन वो 5 विकेट पर 146 रन ही जोड़ पाए।
राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर की ताबड़तोड़ पारी। बटलर ने महज 26 गेंद पर 67 रन बनाए। बटलर ने अपनी पारी में 4 चौके और 7 छक्के लगाए। बटलर को अमित मिश्रा ने आउट किया। डर्ची शॉट ने 25 गेंद पर 44 रन बनाए, लेकिन ये पारियां बेकार साबित हुई। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.1 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के बीच 92 रन की साझेदारी हुई। श्रेयस ने 35 गेंद पर 50 रन बनाए। अपनी पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाए। राजस्थान के खिलाफ जीत के बाद दिल्ली पॉइंट्स टैली में 6ठे स्थान पर पहुंची, जबकि राजस्थान 7वें नंबर पर फिसली। टॉप 4 टीमों में कोई बदलाव नहीं, चेन्नई सबसे ऊपर। दिल्ली के खिलाफ राजस्थान के कप्तान अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। राजस्थान के 7 बल्लेबाज मैदान पर उतरे, लेकिन कप्तान डग आउट में बैठे रहे। राजस्थान के इन फॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन भी अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए। सैमसन सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से फिर कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर हैं। कर्नाटक में धुआंधार प्रचार कर रहे राहुल गांधी ने डेक्कन हेरल्ड अखबार को दिए इंटरव्यू में बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा, आरएसएस का संकीर्ण राष्ट्रवाद देश पर थोपने की कोशिश हो रही है। ये पूरा चुनाव कर्नाटक की आवाज बनाम आरएसएस के विचार पर लड़ा जा रहा है। डेक्कन हेरल्ड को दिए इंटरव्यू के जरिए राहुल गांधी ने देवेगौड़ा पर भी डोरे डाले हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने कभी देवेगौड़ा पर हमला नहीं किया है। देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कर्नाटक में लड़ाई बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा के बीच है। अब देवेगौड़ा को साफ बताना होगा कि वो किस तरफ है। कर्नाटक चुनाव में पैसों के खेल से चुनाव आयोग परेशान। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, 2013 में कर्नाटक चुनाव में जहां 14 करोड़ के कैश और शराब जब्त हुई थी, वहीं इस साल चुनाव में अब तक कैश, गहने, शराब मिलाकर करीब 128 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। बीजेपी ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर चुनाव में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने और सांप्रदायिक कार्ड इस्तेमाल करने की शिकायत चुनाव आयोग से की है। कल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। मोदी आज गुलबर्ग, बेल्लारी और बेंगलुरु में रैलियों को संबोधित करेंगे। परसों भी मोदी ने कर्नाटक में 3 रैलियां की थी। यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज 2 दिन के दौरे पर कर्नाटक पहुंच रहे हैं। वो यहां 5 जिलों में 5 सभाओं को संबोधित करेंगे। पहली सभा उत्तर कन्नड़ जिले में होगी तो आखिरी सभा चिकमंगलूर में होगी। वो रात में चिकमंगलूर में ही रुकेंगे। कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव है और 15 मई को नतीजे आएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स से वापस रांची भेजे जाने पर अब बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि लालू यादव वरिष्ठ नेता है, उन्हें ट्रेन की जगह कम से कम विमान से भेजना चाहिए। लालू को रांची भेजे जाने को शत्रुघ्न सिन्हा ने अमानवीय और बदले की राजनीति कहा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह ने कहा है, एम्स पर सवाल उठाकर लालू यादव सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव की एम्स की मेडिकल रिपोर्ट भेजी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उन्हें रांची भेजने में कोई दिक्कत नहीं थी। यूपी के बहराइच से बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले ने दलित भोज को लेकर हमला बोला। कहा, दलितों के घर भोजन के नाम पर अनुसूचित जाति का मजाक उड़ाया जा रहा है। सीएम और मंत्री अनुसूचित जाति के घर खाना खाने जाते हैं, लेकिन खाना बनाने वाला कोई और होता है, भोजन परोसने वाला कोई और होता है और बर्तन टेंट हाउस के होते हैं। केवल उनके घर बैठकर खाना खाया जाता है। दलित भोज की तस्वीरें टीवी चैनल, अखबार और व्हाट्सएप पर डालकर केवल दलितों का अपमान किया जा रहा है। एमपी के धार में सिपाही भर्ती में युवकों के सीने पर जाति लिखने के बाद अब भिंड से एक नया विवाद सामने आया है। भिंड में सिपाही भर्ती के लिए युवक और युवतियों का एक साथ मेडिकल टेस्ट किया गया। पुरुष और महिलाओं का एक ही डॉक्टर ने एक ही कमरे में किया चेकअप। मामले का खुलासा होने पर भिंड के कलेक्टर ने जिला अस्पताल के कर्मचारी देवेंद्र शर्मा को निलंबित कर दिया है। राजस्थान में आंधी तूफान से भारी तबाही। यहां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी कहर बनकर टूटी। आंधी और तूफान की चपेट में आने से भरतपुर, धौलपुर, अलवर और झुंझुनू में अलग अलग हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई। आंधी से सैकड़ों पेड़ टूट कर गिर गए। जगह जगह बिजली के खंभे और तार टूटे पड़े रहे, जिसकी वजह से यातायात में भी लोगों को काफी परेशानी हुई। आंधी और तूफान की वजह से हुए हादसों में सबसे ज्यादा 11 मौतें भरतपुर जिले में हुई हैं, जबकि धौलपुर में 6 लोगों की जान चली गई है। वहीं अलवर में 4 लोगों की और झुंझुनू में भी 1 की मौत हो गई है। अलग अलग घटनाओं में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
उत्तराखंड में बारिश और आंधी का कहर, चमोली जिले में बादल फटने से भारी तबाही। नारायणगढ़ में बादल फटने से कई दुकानें और मकानों को नुकसान पहुंचा है, हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। नारायणगढ़ में भारी बारिश के बाद अचानक बादल फट गया। दिल्ली NCR में भी कल अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। गर्मी से दिल्ली वालों को राहत मिल गई, हालांकि कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। कई जगह जाम की समस्या भी देखने को मिली। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा बुरी तस्वीर पंजाब के अमृतसर में दिखी। अमृतसर में दाना मंडी में पड़ा अनाज बारिश में भीग कर खराब हो गया। मेहनत पर पानी फिरने से किसान काफी नाराज दिखे। चंडीगढ़ में कल शाम और रात को बारिश हुई। बारिश के बाद शहर में गर्मी से राहत, लोगों को गर्मी से राहत मिली। एबीपी न्यूज की खबर का असर, हवाई फायरिंग करने वाले बिहार के कटिहार के SP सिद्धार्थ मोहन जैन की CBI में पोस्टिंग रुकी। डेपुटेशन पर CBI में जाने वाले थे जैन। बिहार सरकार ने हवाई फायरिंग करने को अनुशासनहीनता मानते हुए जाँच के आदेश दिए। अपने तबादले और CBI में प्रमोशन से अति उत्साहित कटिहार के SP सिद्धार्थ मोहन जैन ने अपने विदाई समारोह में सरेआम 10 राउंड हवाई फायरिंग की थी। समारोह में मौजूद रहे कटिहार के DM मिथिलेश मिश्र के खिलाफ भी जांच की जा रही है। कटिहार के अलावा वैशाली और मुंगेर के अधिकारियों को भी विदाई समारोह में ठुमका लगाने पर बिहार पुलिस के ADG ने नोटिस जारी किया है। मुंगेर के SP आशीष भारती और उनके जूनियर अधिकारियों ने SP की विदाई समारोह में जमकर ठुमके लगाए थे। बिहार के जहानाबाद बेरहमी और छेड़छाड़ केस में पुलिस ने 3 और गिरफ्तारियां की हैं, इनमें बालिग और 2 नाबालिग हैं। जहानाबाद केस में अब तक कुल 11 युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। युवती को अपने साथ ले जाने वाला युवक अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज के नाम के आगे वंदे मातरम जोड़ने का विवाद गर्मा गया है। कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी ने कॉलेज के नाम के आगे वंदे मातरम जोड़ लिया है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इसके खिलाफ PM मोदी को चिट्ठी लिखी है। शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कॉलेज का नाम बदलने की इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली के द्वारका में गैंग वॉर में 2 लोगों की हत्या। सेंट्रो में बैठे हमलावरों ने स्विफ्ट कार में बैठे 2 लोगों को खदेड़ कर गोली मारी। हिमाचल प्रदेश के कसौली में महिला अधिकारी की हत्या का आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। पुलिस ने आरोपी विजय पर 1,00,000 का इनाम रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और आज फिर सुनवाई होगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल पुलिस पर उठाए थे सवाल। हिमाचल के कसौली में अवैध होटल हटाने गई महिला अधिकारी की हत्या के विरोध में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। CM जयराम ठाकुर ने किया पुलिस का बचाव, कहा वारदात के वक्त दूसरी बिल्डिंग में मौजूद थे सुरक्षाकर्मी। 2 दिन से चल रहे बवाल के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के छात्र संघ हॉल से पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर गायब। AMU प्रशासन की दलील, सफाई के लिए हटाई गई है तस्वीर, फिर लगा दी जाएगी। कल इस मुद्दे पर हिंदू संगठनों और छात्रों के बीच हुई थी झड़प और लाठीचार्ज। AMU में आज पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को मानद उपाधि दी जानी है। क्या इस कार्यक्रम से पहले छात्र संघ भवन में जिन्ना की तस्वीर फिर लगा दी जाएगी, इस पर AMU प्रशासन साफ जवाब नहीं दे रहा है। कल के बवाल को देखते हुए आज AMU में रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनी तैनात की गई है। 2 दिन से चल रहे बवाल के बाद ये भी असमंजस है कि हामिद अंसारी को मानद उपाधि देने का कार्यक्रम आज हो भी पाएगा या फिर टल जाएगा। हामिद अंसारी लंबे समय से भगवा ब्रिगेड के निशाने पर है। कल AMU में उस समय हालात बिगड़ गए जब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे और जिन्ना का पुतला जलाने की कोशिश की। इसके बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों से उनकी झड़प हुई। इस दौरान पथराव होने के बाद पुलिस को हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए जिसमें आधा दर्जन छात्र घायल हुए हैं। जिन्ना को देशभक्त और महापुरुष बताने पर UP के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ BJP में उठे सुर। BJP व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और राज्य में BJP कार्यकारिणी के सदस्य विनीत अग्रवाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य को योगी मंत्रिमंडल से हटाने और BJP से बाहर करने की मांग की है। अग्रवाल ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य देश के लिए कलंक है, उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। दिल्ली के गाजीपुर की बच्ची के साथ गाजियाबाद के मदरसे में रेप का मुख्य आरोपी क्राइम ब्रांच की जांच में बालिग निकला। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा पेश किए गए सबूत को सही माना है। इस मामले में क्राइम ब्रांच की आरोपी का बोन टेस्ट कराया था जिसमें आरोपी की उम्र लगभग 20 साल पाई गई थी, जिसके बाद आरोपी को बाल सुधार गृह से निकालकर पुलिस ने कड़कड़डुमा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
गाजियाबाद के जिस मदरसे में रेप का आरोप है उसको लेकर एक और खुलासा हुआ है। मदरसा गैर कानूनी तरीके से चल रहा था और वक्फ बोर्ड से संबंधित कागज भी इस मदरसे के पास नहीं थे। कल पुलिस की टीम फिर मदरसे में पहुंची और इसे अगले आदेश तक बंद करा दिया। कोलकाता के दमदम मेट्रो स्टेशन पर 30 अप्रैल को एक युवक युवती को कथित तौर पर पीटने का मामला गर्माया। ट्रेन के सहयात्रियों पर कपल की पिटाई का आरोप। कल मेट्रो स्टेशन के बाहर लड़के लड़कियों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे को गले लगाकर किया प्रदर्शन। कोलकाता मेट्रो कॉरपोरेशन ने 30 अप्रैल को दमदम मेट्रो स्टेशन पर युवक युवती की पिटाई की घटना से इनकार किया। कोलकाता मेट्रो के जीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें मार पिटाई के सबूत नहीं। कश्मीर में दो दिन पहले हिजबुल के बड़े आतंकी समीर टाइगर को ढेर करने वाले मेजर रोहित शुक्ला के परिवार को बेटे पर नाज। देहरादून में रहता है मेजर शुक्ला का परिवार। मेजर रोहित शुक्ला इस ऑपरेशन का नेतृत्व करते हुए घायल हुए हैं। पंजाब के लुधियाना जिले की चकोइया खुर्द ग्राम पंचायत का अजीब फरमान। लव मैरिज करने वाले युवक युवतियों के परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। गाँव के एक लड़का लड़की के प्रेम विवाह से खफा थी पंचायत। अलग अलग जातियों के थे लड़का लड़की। गुजरात से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने अहमदाबाद से मुंबई के बीच बनने वाले बुलेट रेल प्रोजेक्ट के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। अहमद पटेल ने लिखा है, गुजरात में इस प्रोजेक्ट के लिए की जा रही है भूमि अधिग्रहण में 2013 में बने अधिग्रहण कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। पुणे के पास 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुंबई में मंत्रालय के सामने एक युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की। अहमदनगर के राहुरी गांव के गणेश पवार ने खुद पर केरोसिन छिड़क कर खुदकुशी करने का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया है। गणेश पवार रिपब्लिकन सेना का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। हैदराबाद में रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय कॉफी बनाने के लिए ट्रेन के टॉयलेट का पानी इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने प्लेटफॉर्म पर चाय कॉफी और खाना बनाने के ठेकेदार पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कॉलेज से सटे इलाके में अवैध तरीके से फलों की दुकानें लगाने वाले दर्जन भर स्टॉल को ढहा दिया गया है। कॉलेज प्रशासन की शिकायत के बाद इम्फाल नगर निगम की कार्रवाई। दिल्ली से सटे नोएडा में एनटीपीसी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि एनटीपीसी लगातार मुनाफे में जा रही है लेकिन उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 21 और 22 मई को पूरे देश में एनटीपीसी के कर्मचारी हड़ताल करेंगे जिससे अब आपको बड़े शहरों के मौसम का हाल बता देते हैं। शुरुआत राजधानी दिल्ली से, जहां आज गर्मी से काफी राहत मिल सकती है। बादल छाए रह सकते हैं, हल्की बारिश का भी अनुमान है। तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है। अब बात मुंबई की, जहां कल के मुकाबले गर्मी मामूली बढ़ सकती है। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है। अहमदाबाद में गर्मी का प्रकोप जारी है, आसमान साफ रहेगा, धूप रहेगी, तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है। भोपाल की बात करें तो यहां भी गर्मी का प्रकोप जारी है, आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और तापमान 43 डिग्री तक जा सकता है। रणवीर सिंह स्विट्जरलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं। रणवीर ने सोशल मीडिया पर अपने स्विट्जरलैंड यात्रा की तस्वीरें और वीडियो को किया शेयर। खबर है कि स्विट्जरलैंड टूरिज्म डिपार्टमेंट जल्द ही रणवीर के नाम की ट्रेन शुरू कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ अक्षय कुमार ने मुंबई में न्यू इंडिया कॉन्क्लेव के नेशन वाइड मूवमेंट का उद्घाटन किया। अक्षय को न्यू इंडिया कॉन्क्लेव का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। सेना पर खर्च करने के मामले में भारत टॉप 5 देशों में शामिल। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में दुनिया में सभी देशों की तरफ से सेना पर खर्च का करीब 60% हिस्सा अकेले अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब और भारत ने किया। भारत सेना पर खर्च करने के मामले में 5वें नंबर पर है। 4,32,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ पीएम मोदी फेसबुक पर लोकप्रियता में सबसे आगे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हालांकि स्टडी के मुताबिक ट्रंप लाइक्स और इंटरैक्शन के मामले में मोदी से आगे हैं।
फेसबुक डेटा चोरी के आरोपी कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कामकाज बंद किया। कंपनी ने कारोबार बंद होने की आशंका जताते हुए दिवालिया घोषित होने की अर्जी दी है। कांग्रेस पर भी कैम्ब्रिज एनालिटिका से चुनाव में मदद लेने का आरोप लगा है। अमेरिका के जॉर्जिया में अमेरिकी सेना का विमान हादसे का शिकार। विमान में सवार सभी 9 लोग मारे गए। अमेरिकी सेना के विमान C-130 में 5 सैनिक समेत 9 लोग सवार थे, जिन्हें क्रैश के बाद मृत घोषित कर दिया गया है। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और अमेरिकी अभिनेत्री मर्कल की शादी की तैयारियां जोरों पर है। प्रिंस हैरी और मेगन ने शादी के लिए शाही संग्रहालय से एक खुली छत वाली बग्गी चुनी है, जिसमें वो शहर में घूमते हुए विंडसर कैसल तक जाएंगे। 19 मई को प्रिंस हैरी और मेगन मर्कल की शादी है। चीन के यांगत्से प्रांत में 6 घड़ियालों को कृत्रिम निवास से उनके प्राकृतिक स्थान में शिफ्ट कर दिया गया। यांगत्से प्रांत में पाए जाने वाले घड़ियाल को दुनिया के सबसे खतरनाक घड़ियालों में गिना जाता है। मेडिकल जांच के बाद घड़ियालों में चिप लगाकर उन्हें तालाब में छोड़ दिया गया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।